बचपन में आपने पिनोकियो की कहानी जरूर सुनी होगी। पिनोकियो एक कठपुतली था जिसकी एक ही इच्छा थी कि जो धागे उसे कंट्रोल करते हैं ना, उन धागों से उसे आज़ादी मिल जाए। पिनोकियो की इच्छा पूरी हुई और उसे आज़ादी मिल गई। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि आज़ादी मिलने के बाद पिनोकियो को रियलाइज हुआ कि जिसे वो फ्रीडम समझ रहा था वो तो एक्चुअली एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज नाउ ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन लाइफ, हिज सक्सेसेस, हिज फेलियर, हिज रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप्स, एवरीथिंग एंड टू एंड। अगर आपने भी पिनोकियो की तरह मनमानी आज़ादी तो हासिल कर ली लेकिन वैसी जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं जिसका सपना आपने देखा था, तो आज का ये एपिसोड है आपके लिए। दोस्तों, मैं हूं निधि और ये है 5 मिनट का किताबी ज्ञान। सक्सेसफुल लाइफ की नॉलेज तो हम सबको चाहिए, पर उस नॉलेज के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर पहाड़ों पर चले जाना या मोटी मोटी फिलॉसफी की किताबें पढ़ना कोई आसान बात नहीं है। इसीलिए आज के एपिसोड में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्लॉकबस्टर ऑथर जॉर्डन पीटरसन की किताब जिसका नाम है 12 रूल्स फॉर लाइफ। ये बुक इतनी सक्सेसफुल है कि विद इन 4 मंथ्स ऑफ इट्स रिलीज इट एंडेड अप सेलिंग 1 मिलियन कॉपीज और वर्ल्ड वाइड ऑडियंस ने, रीडर्स ने इसे बहुत पसंद किया है, इसके रिसर्चेस को अपनी लाइफ में अप्लाई किया है, इन रूल्स को इम्प्लीमेंट किया है और रिजल्ट देखा है। सो लेट्स चेक आउट व्हाट मेक्स दिस बुक सो पॉपुलर। हर इंसान जीतना चाहता है पर हर इंसान जीतता नहीं है, और इसी डिफरेंस के पीछे के रीजन को ऑथर ने एनालाइज किया है अपनी किताब में थ्रू एग्जांपल ऑफ लॉबस्टर्स। नाउ व्हाई लॉबस्टर्स? क्योंकि उनमें और हम में काफी सिमिलैरिटीज हैं। ठीक इंसान की तरह अगर दो लॉबस्टर्स को एक नए एरिया में छोड़ दिया जाए तो दोनों अपनी टेरिटरी मार्क करने के लिए झगड़ा करते हैं। ऐसे में अगर एक लॉबस्टर दूसरे से बड़ा है तो जो छोटा लॉबस्टर है वो डर जाएगा, अटैक नहीं करेगा और बड़ा लॉबस्टर जीत जाएगा। अगर दोनों लॉबस्टर्स का साइज सेम होगा तो वो एक दूसरे को डराने की कोशिश करेंगे। ऐसे में जिस लॉबस्टर का कॉन्फिडेंस और एग्रेशन ज़्यादा होगा वो जीत जाएगा। अगर इस लेवल पर भी बात ना बनी और दोनों का कॉन्फिडेंस और एग्रेशन बराबर का निकला तो फिर ये एक दूसरे से झगड़ेंगे और जो लॉबस्टर दूसरे को पहले पलट देगा वो जीत जाएगा। अगर इन 3 लेवल्स में भी फैसला ना हुआ तो फिर ये लॉबस्टर बिना एक दूसरे की जान की परवाह किए बिना एक दूसरे पर अटैक करेंगे और अपनी टेरिटरी मार्क करने की कोशिश करेंगे। इस ऑब्जर्वेशन के बाद जब हारने और जीतने वाले लॉबस्टर की बॉडी के केमिकल रिएक्शंस को स्टडी किया गया तो एक बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन सामने आई। हारने वाले लॉबस्टर की बॉडी में सेरोटोनिन नाम का केमिकल कम और ऑक्टोपमीन नाम का केमिकल ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा था, जिसकी वजह से ये बॉडी श्रिंक करके चलते हैं, इनका कॉन्फिडेंस कम रहता है, इनका एग्रेशन कम रहता है, दे फील वेरी स्मॉल अबाउट देमसेल्व्स, ये अटैक नहीं करते और लड़ाई शुरू होने से पहले ही गिव अप कर देते हैं। नाउ दीज लॉबस्टर्स ऑल्सो आर वेरी अनअट्रैक्टिव टू द ऑपोजिट जेंडर। वहीं जीतने वाले लॉबस्टर की बॉडी में सेरोटोनिन ज़्यादा और ऑक्टोपोमीन कम प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से वो बॉडी एक्सपैंड करके चलते हैं, दे फील वेरी कॉन्फिडेंट और जब वो किसी लड़ाई में उतरते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो जीत जाते हैं। इस टाइप के लॉबस्टर ऑपोजिट जेंडर को भी बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। नाउ द सेम पैटर्न्स कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड इन ह्यूमन लाइफ। जैसे कि जो इंसान बार बार लूज करता है उसका कॉन्फिडेंस कम रहेगा, बॉडी झुकी हुई रहेगी, वो बार बार बीमार पड़ते हैं, उनके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं चलते, उनके फ्रेंड्स उन्हें धोखा दे देते हैं, उनके पास पैसों की दिक्कत लगी रहती है। वहीं जो इंसान जीतता है उसकी बॉडी में कॉन्फिडेंस रहता है, उसके रिलेशनशिप अच्छे रहते हैं, उसकी हेल्थ अच्छी रहती है, पैसों की दिक्कत नहीं आती। एक मिनट, क्या इसका ये मतलब है कि अगर हम अपनी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे इन केमिकल्स को रेगुलेट करना सीख जाएं तो हम भी अपनी हार को जीत में बदल सकते हैं? जी हाँ, 12 रूल्स फॉर लाइफ का पहला रूल कहता है कि सिर्फ स्ट्रेट चलने से आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। स्ट्रेट चलना इज अ साइन ऑफ कॉन्फिडेंस विच इंक्रीजेज द प्रोडक्शन लेवल ऑफ सेरोटोनिन इन योर बॉडी एंड एज अ रिजल्ट आप और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट बन जाते हैं। नाउ हो सकता है कि कुछ ऐसे दिन हो व्हेन यू फील नर्वस फ्रॉम इनसाइड, इवन ऑन दोज डेज डोंट फॉरगेट टू वॉक लाइक अ विनिंग लॉबस्टर एंड यू विल सी योर लाइफ चेंज। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उनकी केयर करते हैं, उनके प्रति रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं। इसी कारण से हमारे पेरेंट्स हमारा कितना ध्यान रखते हैं, एक ज़रा सी छींक आई नहीं कि लेके भागते हैं हॉस्पिटल। फॉर द सेम रीज़न हम भी अपने एजिंग पेरेंट्स का ध्यान रखते हैं। पीपल हु आर इन रिलेशनशिप दे फील रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच अदर। इस किताब का दूसरा रोल कहता है कि जैसे आप दूसरों के प्रति रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं, द सेम वे यू हैव टू स्टार्ट फीलिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन सेल्फ। अपने आप को दूसरी पायदान पर रखना बंद कर दीजिए। योर ड्रीम्स, योर एम्बिशन, योर सक्सेस, योर फेलियर, योर फ्रेंड्स, हाउ यू यूटिलाइज योर टाइम और वेस्ट योर टाइम,
एवरीथिंग अबाउट योर लाइफ इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आज के टाइम में कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा है कि हर रोज कोई ना कोई आपसे बेहतर मिल ही जाएगा. अब मुझे ही देख लीजिए, ये चैनल स्टार्ट किए हुए मुझे 7 महीने हो चुके हैं. आई हैव स्टिल नॉट हिट 1000 सब्सक्राइबर्स मार्क. कई यूट्यूबर्स जिन्होंने मुझसे बाद में शुरू किया उनके पास एक बहुत बड़ा सब्सक्राइबर बेस है. दे आर डूइंग फिनोमिनली वेल. अब अगर मैं ये सोचने बैठ जाऊँ दैट आई एम नॉट डूइंग गुड इनफ, देन बिकॉज ऑफ माई ओन थिंकिंग एंड माई ओन बिहेवियर, ऑथर के हिसाब से आई विल पुश टू इंक्रीज माई ऑक्टोपमिन लेवल, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट तो छोड़िए, आने वाले कई प्रोजेक्ट्स में आई विल कॉम्प्रोमाइज ऑन माई सक्सेस. However, if I start looking at the situation differently, कि कल मैं जहाँ थी वहाँ से तो आगे आ गई ना, then I will increase the serotonin level in my body. So rule number 3 is कि अपने आप को किसी और की बजाय खुद से compare कीजिए और हर रोज अपना best version बनने की कोशिश कीजिए. वैसे मैंने पढ़ा तो कई जगह था कि इंसान की जीत और हार उसके खुद के हाथ में होती है, लेकिन उसके पीछे का जो रीज़न है ना वो मुझे इस किताब से समझ आया. इस एपिसोड में मैंने आपसे 3 रूल्स फॉर लाइफ डिस्कस किए हैं. अगर आप पढ़ना चाहते हैं वो 12 रूल्स जो आपकी ज़िंदगी को 360 डिग्री टर्न अराउंड कर सकते हैं, तो इस किताब को ज़रूर पढ़िए, डिटेल्स आपके सामने हैं. तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही. मैं मानती हूँ कि ओवरनाइट तो हम चेंज नहीं हो सकते, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर आप इन एपिसोड्स को रेगुलरली देख रहे हैं तो आप हर हफ्ते अपनी लाइफ में एक स्टेप आगे की तरफ ज़रूर बढ़ रहे होंगे. तो अब हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते. तब तक सिर झुकाकर नहीं, सिर उठाकर चलने की आदत डालिए और सपने देखना बिल्कुल मत छोड़िए.